हेलो फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर PST न्यूज पर। आज की जो वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड वेदर टुडे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं का कहर जारी, इन जिलों में वर्षा को लेकर है चेतावनी। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुर्सवारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। वर्षा व भूसंकलन के कारण प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में समस्या बनी हुई है। बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर है। वहीं चारधाम यात्रा राजमार्ग लगातार भूसंकलन से बाधित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज भी देहरादून समेत 8 जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुर्सवारियों का कम होने का नाम नहीं ले रही है। वर्षा व भूसंकलन के कारण प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में समस्या बनी हुई है। बारिश के चलते बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं चारधाम यात्रा राजमार्ग लगातार भूसंकलन से बाधित भी हो रहे हैं, जिसे लेकर इन जनपदों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। संपर्क मार्ग अवरुद्ध होने से कई गाँवों की बड़ी परेशानी। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, ऊधम सिंह नगर और पिथौरगढ़ जिलों में वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं चमोली के मेठाणा व पागल नाला में बद्रीनाथ राजमार्ग खतरनाक बना हुआ है। राज्य में 144 संपर्क मार्ग मलबा आने से अवरुद्ध है। 246 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। इन गांवों में खाद्यान्न समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं का संकट गहरने लगा है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर दो दिनों से शांत। वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो पिछले सप्ताह अपना रुद्र रूप दिखाने के बाद गंगा का जलस्तर दो दिन से शांत रहा। आज सुबह 6 बजे यह चेतावनी देखा गया। 293 मीटर से 70 सेंटीमीटर नीचे 292.30 पर था। हालांकि श्यामपुर व लक्सर क्षेत्र में गंगा अब कहर भरपा रही है और कई जगहों पर तेजी से कटान करने के कारण ग्रामीण दहशत में हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।